तेज रफ्तार से तट की तरफ बढ़ रहा है। तूफान दाना आज शाम से कल सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में तूफान का लैंडफॉल होगा, यानी तेजी से ये तट से टकराएगा और फिर जो इसकी गति है वो धीमे धीमे कम होगी लैंडफॉल। पश्चिम बंगाल के 7 जिले चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया, बांकुरा, इन जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। दाना तूफान की दस्तक, पुरी से तूफान का आगाज, लोगों को हटाया गया है, कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया, एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल, गजपति जिलों में अलग अलग जगह पर तूफान और बिजली गिर सकती है। भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल भी हाई अलर्ट पर है। चक्रवाती तूफान से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है। तो दाना तूफान की दस्तक, प्रचंड तूफान से निपटने की क्या कुछ तैयारियां, वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। दाना तूफान की दस्तक, पुरी से तूफान का आगाज, लोगों को हटाया गया, एनडीआरएफ एहतियातन अलर्ट पर है, एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। दाना तूफान को जान लीजिए, ओडिशा और बंगाल के तटों पर अलर्ट, आज ये गंभीर रूप ले लेगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवाएं क्या, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अंदाजा लगा लीजिए, कितने हैरत की बात है। दाना शब्द उदार इसके मायने हैं, लेकिन तूफान इतना प्रचंड कि उदारता कहीं से इसमें नजर आएगी नहीं। तूफान दाना को लेकर अलर्ट, तकरीबन 200 से ज्यादा ट्रेन जो है वो भी रद्द करनी पड़ी है। भीतरकनिका मैनग्रोव फॉरेस्ट, इसके ऊपर से ही आज गुजरेगा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना, और वहां पे लैंडफॉल होने से पहले जो यहाँ के जो मछुआरे हैं, इस एरिया में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो सब मछुआरे ही हैं, और मछुआरे के जो बोट है उनका, उस बोट को सुरक्षित करने का जो आखिरी मोमेंट है वो ही है, क्योंकि इस बीच हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी जल्दी हो सके उनको यहां से हटा के एक सुरक्षित जगह पे ले जाने का कोशिश भी जब चल रही है, तब ये मछुआरे लोग जो है जिनका काम पूरी तरह से चलता है इस बोट्स के ऊपर, इस ट्रॉलर्स के ऊपर, उन लोगों ने अभी भी यहाँ से जाने से एकदम आखिर मोमेंट तक यहाँ पे अपने बोट, अपने ट्रॉलर को यहाँ पे सुरक्षित करने का जो काम है वो काम अभी भी वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। भीतरकनिका का जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसके अंदर अभी जो क्रिक्स है उस क्रिक के बहुत अंदर तक ऐसे ही ये बड़े बड़े जो ट्रॉलर है उन सबको लाया गया है, और ऐसे ही एक दूसरे से रस्सी से बांध दिया जा रहा है इन सब ट्रॉलर, इन सब बोट्स को। जैसे कि देख रहे हैं कि जब नॉर्मल समय पे इन ट्रॉलर्स को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है तो नॉर्मली एंकर डाल के यहाँ पे ही खड़ा कर दिया जाता है इन बोट्स को, लेकिन इस बार जो किया जा रहा है यहाँ पे रस्सी से एक बोट को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से ऐसे ही पूरी तरह से हर बोट को अपने आप में बांधा जा रहा है। बड़ी बोट, उन्हें आपस में इस तरह से टाई कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। अंदाजा लगा लीजिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो तूफान है चलने वाला है। बंगाल के 7 जिले इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। भारी से अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, और आज रात ये माना जा रहा है कि ओडिशा से ये जो दाना टकराएगा, 300 उड़ानों पर असर है, 500 से ज्यादा ट्रेन रद्द कर दी है। बंगाल समेत 6 से 7 राज्यों में इसका असर रहेगा। बंगाल की खाड़ी से ये उठा है, तटीय इलाकों में इस वक्त तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और ओडिशा भद्रक से नवेश हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी पूरी तैयारी के साथ आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए वो इस वक्त खड़े हुए हैं। नवेश, क्या कुछ अपडेट?
देखिए ललित, अभी जो चक्रवाती तूफान है भद्रक से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अभी है, बे ऑफ बंगाल में है, मगर इसका इम्पैक्ट अभी से शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन चेतन को बोलना चाहूंगा आपको दिखाए ताजा और लाइव विजुअल्स। ये भद्रक धामरा के जो इलाके हैं उनका ये दृश्य है, और ये जो इलाका है ललित, ये सागर से बिल्कुल समुद्र से लगे हुए है, पूरा सटा हुआ इलाका है, और हवाएं अभी से तेज से बहना शुरू हो चुकी है। यूं तो कल रात 1:30 बजे से हवाओं का जो चलना है वो प्रवाह जारी है, मगर जितना जितना ये जो साइक्लोन है चक्रवाती तूफान जितना जितना करके कोस्ट के नजदीक आता जा रहा है, हवा की रफ्तार भी बढ़ रही है और बारिश भी भारी मात्रा में हो रही है। मगर ये तो कुछ भी नहीं है, जब ललित ये जो चक्रवाती तूफान तट को टकराएगा तब हवा की रफ्तार 120 से ज्यादा की हो सकती है, 120 तो एक लैंडमार्क है, उससे आगे भी जा सकती है, तो उस वक्त भारी तबाही मचने की यहाँ आशंका है। इसको देख के उड़ीसा सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी पहले से दो दिन पहले से कर चुकी है। जो सागर के किनारे से जो सटे हुए जो इलाके हैं उनमें रह रहे लोगों को सब शेल्टर होम में बुलाया गया है। लगभग इस अगर भद्रक जिले की बात करें तो 70,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, सबको साइक्लोन शेल्टर होम में रखा गया है, सबके लिए खाना दवाई और जो जरूरी सामान है इसको उसका इंतजाम भी प्रशासन ने किया है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत है ये है कि सागर को लग के तट को लग के ये इलाका है, और धीरे धीरे करके समुद्र का पानी तट की ओर आ रहा है। जहां हम खड़े हैं हमसे लगभग 100 मीटर दूरी पे समुद्र प्रवाहित हो रहा है। अगर 120 की रफ्तार की 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के साथ समुद्र का पानी तट से टकराएगा, जो बांध है वो बांध भी बिखरने का आशंका अभी से जताया जा रहा है। अगर वो बांध बिखरता है, खुदा ना खास्ता अगर बिखर गया, तो यहाँ के जो 8 पंचायत है उनमें 24 गांव है, वो सीधा सीधा चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसा ना हो ये इस बात की सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मगर जो IMD की तरफ से जो ताजा जानकारी आ पा रही है उनके मुताबिक लगभग 2 मीटर की ऊंचाई से जो ये लहरें वो तट को टकरा सकती है, तो उसकी वजह से शायद ये जगह चपेट में आ सकता है, ऐसा अभी अंदेशा जताया जा रहा है। जी ललित, नवेश एक बात और, बेस्ट मैनेजमेंट साइक्लोन से निपटने का बेस्ट मैनेजमेंट अगर किसी के पास है, ये क्रेडिट किसी के पास है तो वो ओडिशा के पास। अभी किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है, आपने पूरी संख्या गिनाई कि इतने विलेज जो हैं, इतने गांव जो हैं बहुत बुरी तरह इससे प्रभावित होंगे, क्या अरेंजमेंट सभी हैं? देखिए अगर उड़ीसा की बात करें, आप जानते हैं उड़ीसा प्रोन टू साइक्लोन है, साइक्लोन हर साल आते जाते हैं, मगर लगभग हम देखें तो 1999 से जो साइक्लोन उड़ीसा में आते जा रहे हैं, 99 साइक्लोन के बाद उड़ीसा ने एक बहुत बड़ी तरह से अपने आप को तैयार कर लिया है, और साइक्लोन की मुकाबला करने के मामले यूनेस्को भी उड़ीसा सरकार की सराहना कर चुकी है। तो उड़ीसा सरकार ने जब IMD इस बात की चेतावनी देना शुरू कर दिया था लगभग 5 दिन पहले, तभी से ही उड़ीसा सरकार ने अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट के जो मशीनरीज है, जो सरकारी अधिकारी है, जो आला अधिकारी से लेके ग्राम पंचायत तक जो अधिकारी है सबको अलर्ट मोड में रख दिया है, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, और केंद्र सरकार की तरफ से भी 2 चॉपर्स भेज दिए गए हैं। NDRF की अलग अलग जगहों से टीम यहाँ उड़ीसा में आ चुकी है, अलग अलग राज्यों से आ चुकी है, और सारे के सारे NDRF की टीम को अलग अलग जगह में डिप्लॉय कर दिया गया है। सिर्फ NDRF नहीं ललित, यहाँ के उड़ीसा के जो ODRF है और यहाँ के जो फायर डिपार्टमेंट है सबके जवान अभी तैनात है। पेड़ गिरना शुरू हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ है, मगर उड़ीसा सरकार ने एक अपने आप एक संकल्प किया है कि जीरो कैजुअल्टी होगा, किसी की भी जान नहीं जाएगी, हर एक जान कीमती है, यह नारा उड़ीसा बार बार जब साइक्लोन आता है तब देता रहा है, इस बार भी उड़ीसा सरकार का यही नारा है। तो ये नारे को सच्चाई में बदलने के लिए पूरी जो गवर्नमेंट के मशीनरी है सब लोग लगे पड़े हैं, तो इस बात की आशंका बिल्कुल हम कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है, शायद किसी की जान ना जाए। लेकिन जो चक्रवाती तूफान है ये बहुत तेजी के साथ धीरे धीरे करके कोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है ये तट को आज शाम को ही टकराएगा। जी ललित, ठीक ठीक ठीक।
तो जिस तरह से नवेश जानकारी दे रहे हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, तैयारियों को लेकर भी उन्होंने बताया कि बाकायदा यूनेस्को तारीफ कर चुका है ओडिशा की, और यह बात सही भी है। जिस तरह का बेटर मैनेजमेंट नजर आता है ओडिशा में, और वो सिर्फ ऐसा नहीं है, सरकार का अकेले नहीं है, लोग भी उसमें प्रॉपर सरकार के रेस्क्यू के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं, और यही वजह है कि ओडिशा बेस्ट मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। युगल भी आपको नजर आ रहे होंगे, युगल छत्तीसगढ़ के 7 से 8 जिलों पर इसका सीधा असर रहने वाला है। दाना का क्या अपडेट युगल? जी देखिए ललित, छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में भी अब हल्की जो बादल है वो छा चुकी है। इसके अलावा प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की जो बदली है वो छानी शुरू हो गई है। और सबसे खास बात यही है कि इस जो साइक्लोन का जो असर है, उड़ीसा से लगे हुए, आंध्र प्रदेश से जो लगे हुए जो जिले हैं वहाँ पर उसका असर है वो देखने को मिलेगा। बस्तर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, और इसके अलावा जो रायगढ़ है, महासमुंद है, धमतरी है, कांकेर है, सहित कई ऐसे जिले हैं, और खास करके इसका असर है उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि तूफान जब भी आता है तो अपने साथ कई मुसीबतों को लेकर के आता है, और यही वजह है कि जिस तरह आपने भी जो बातें कही है कि हमको भी जो सतर्क रहने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो अभी से बादल है छाने लगे हैं तो इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान का जो असर है वो होगा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश है वो हो सकती है, मौसम फिलहाल बदलने लगा है, तो खास तौर पर यही कह सकते हैं ललित कि तूफान का असर है वो छत्तीसगढ़ पे भी दिखने को मिलेगा। और वैसे भी 15 ट्रेनों को तूफान की वजह से जो रद्द कर दिया गया है, तो यात्रियों को भी इसकी मार है वो झेलनी पड़ेगी। जी